मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के निमित्त उत्पन्न एकादशी का व्रत किया जा रहा है। एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर को है, जहां गृहस्थ जीवन वाले लोग 8 दिसंबर को उत्पन्न एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 9 दिसंबर को उत्पन्न एकादशी का व्रत पूजा आदि करेंगे। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि उत्पन्न एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। उत्पन्न एकादशी में अगर व्रती फलाहार व्रत कर रहे हैं तो वो चाय और दूध आदि का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर व्रती या जलीय व्रत कर रहे हैं तो ऐसे में उन्हें चाय या दूध आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जलीय व्रत का मतलब है कि आप पूरे दिन केवल जल पीकर ही अपना व्रत संपन्न कर रहे हैं, यानी कि आप इस दिन ना फलाहार और ना ही फलों का सेवन कर रहे हैं। अगर आप अभी उत्पन्न एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको बता दें कि ये व्रत दो तरह से रखा जाता है, निर्जला और फलहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत को स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए, अन्य लोगों को फलाहारी या जलीय व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में दशमी की रात से ही भोजन नहीं करते, एकादशी को सुबह भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। इस व्रत में सिर्फ फलों का ही भोग लगाया जाता है, साथ ही इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन करते हैं। ध्यान रहे कि फलाहार स्वरूप आप किसी भी तरह का आटा, सेंधा नमक आदि का सेवन नहीं कर सकते। आप उत्पन्न एकादशी के व्रत में केवल फलों का ही भोजन ग्रहण कर सकते हैं, साथ ही पारण के बाद ही आप सात्विक भोजन करके अपना व्रत खोल सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिस भी घर में उत्पन्न एकादशी का व्रत किया जा रहा है, परिवार के अन्य सदस्यों को भी इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि से दूरी बना लेनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।